So ज दोस्तों सही सुन रहे हैं हम अट्रैक्टिव बायो आइडियाज के बारे में जानेंगे तो गाइज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें वो भी बिना स्किप करे और गाइज आपको मैं बता दू की अगर आपको जो ये मेरा मेकअप दुख है आपको पसंद आया तो इसका पूरा ट्यूटोरियल मेरे अपने एक और चैनल पे है जिसका नाम है हाउस एंड स्टाइल सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल्सो वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं तो अब बिना कुछ देरी कर इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर वन का मतलब ये होता है कि जो आंखें होती हैं वो बात करती है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया होगा जिसकी आंखें देख के आपको लगता होगा कि हाँ इसकी आंखों से सब समझ में आ जाता है कि क्या सोच रही है क्या करना चाह रही है परेशान है खुश है क्या है सो so, गाइज यहाँ पे बेसिकली बस यही मतलब है और अगर हम अट्रैक्टिव की बात करते हैं तो उसमें आइस भी शामिल होती है तो गाइज होप सो आपको ये बायो समझ आ गया होगा नंबर टू एडिक्टेड टू होप गाइस इस बार का मतलब ये होता है कि मैं इस टाइप की पर्सनालिटी हूँ कि मुझे कहीं से भी होप नजर आती है तो मैं उससे अट्रैक्ट हो जाती हूँ मतलब ये कि होप की एडिक्ट हूँ मैं मतलब मुझे जहाँ पे लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है सो so, होप यू नो होप एट्रिक्शन सो गाइज हो सो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ बट जिसको समझ नहीं आया वो सेक्शन में जरूर बताएं मैं आपको वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगी बाया नंबर थ्री साइलेंस इज़ गोल्डन गाइस बाई का मतलब ये होता है कि जो चुप्पी होती है वो गोल्डन होती है मतलब ये कि इसको हम दो टाइप से ले सकते हैं मतलब अच्छे वे में भी और एक लाइक मतलब अच्छे वे, अच्छे वे में ही हम ले सकते हैं इसको सेंस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर अगर आप चुप हो तो वहाँ पे आपका जो साइलेंस है वो गोल्डन है क्योंकि अगर आप चुप हो तो जो लड़ाई आगे बढ़ सकती है वो आप रुकवा रहे हो और अगर मतलब गाइज यू नो द सिचुएशन कई बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि चुप रहना ज़्यादा बेटर है बजाय बहस करना लड़ना एंड ऑल सो उस सेंस में इस साइलेंस को गोल्डन कहा गया है सो so, ये गाइज हमेशा एट्रैक्टिव बायो रहे हैं एंड होप सो आपको ये समझ आया होगा आया नंबर फोर काइंडनेस ऑलवेज कम बैक गाइज बैक का मतलब ये होता है कि जो काइंडनेस होती है दयालुता होती है वो हमेशा लौट के आप तक वापस आती है मतलब अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं अच्छे से बिहेव करते हैं अपना नेचर उनके ने प्रति अच्छा शो करते हैं सो वो आपको किसी दिन किसी ना किसी दिन लौट के ज़रूर आप तक आएगा मतलब ये कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा सिंपल सेंस ये है होप्स आपको ये समझ आ गया होगा नंबर फाइव टर्न द पेज का का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस बायो का मतलब कहूँ तो उसका मतलब होता है कि पेज पलटो बट गाइस पेज पलटो से मतलब ये है कि जो भी अगर आप इसे इस एज बायो यूज़ करते हो तो जो भी आपको फॉलोअर्स आपका बायो देखने आएंगे तो उनको ये सेंस मिलेगा कि मतलब आपकी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग है एंड आप कह रहे हो कि इसको पूरा टोल के देखो इन सेंस ये कि चेक करो आपके प्रोफाइल्स आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ उससे आपके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा तो ये एक टाइप से टिपिकल और कन्फ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ बायो है तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा अगर आपको आज के पाँचों बायो समझ आएँ और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ वीडियो आपको कैसी लगी और गाइज दोस्तों तक तो ज़रूर शेयर करें चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना ना जाए मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक ले आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपने फैमिली का ध्यान रखें